सच्चा तीर्थयात्री। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न निर्धन ही। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य ही चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राहि त्राहि मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा, हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखने उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर वो कुएं से पानी बाहर कर लाया और उन्हें पिलाया। एफएम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। मित्र, आप चलें। मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थी। एक दिन, दो दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, ये मनुष्य नहीं, देव दूत हैं। ऐसे भले मनुष्य
संसार में अधिक नहीं हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलम हो आए? एरविम कहाँ है? ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया था, इसलिए मैं एफएम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफएम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। गिरजा घर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफएम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजा घर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफएम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी न दिखाई दिया। अगले दिन एफएम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफएम यरूशलम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफएम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफएम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वो कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वो हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वो न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंच सकी इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में
दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थयात्रा है।